ब्रेक के बाद मैं चानी सरावगी वाह जिंदगी में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। कमल नयन जैन की आत्मकथा का सिलसिला जारी है, चलिए हम देखते हैं, सीखते हैं, जानते हैं उनके बारे में कुछ और बातें। हर आदमी के जीवन में इंस्पिरेशंस होते हैं, आइडल होते हैं। मेरे जीवन में भी मेरे मामा मेरे लिए आइडल हैं। उन्होंने हमेशा मेरा प्रोत्साहन दिया है, मुझे हर चीज़ के लिए मोटिवेट किया है और उनका सामाजिक तौर पे जो नाम है काफ़ी ऊंचा है। अपने बच्चों दिव्यांश और आयुषी के लिए तो कमल जी एक सुपर हीरो और रोल मॉडल। यूँ तो सभी के लिए अपने फादर सुपर हीरो होते हैं, मेरे लिए भी मेरे पापा मुझे बहुत प्यारे हैं, उनसे मुझे हर चीज़ के लिए प्रेरणा मिलती है। उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो शिक्षा को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं और वो मुझे भी प्रेरित करते हैं कि मैं भी शिक्षित रहूं और साथ ही समाज सेवा करूं। कमल जी की भांति दोनों बच्चे पढ़ने में मेधावी और सुसंस्कारी। एवरी चाइल्ड हैज अ हीरो, सबका, किसी को स्पाइडरमैन पसंद है, किसी को बैटमैन, लाइक मेरे पापा मेरे लिए वो हीरो है। उन्होंने हमेशा समाज में या कहीं भी सोसाइटी में हमेशा आगे आया है, बट घर पे वो हमेशा उन्होंने हम लोग के लिए टाइम हमेशा ही निकाला, लाइक एवरीडे, नो मैटर वो कितने बिजी हो, घर पे हम लोग के लिए हमेशा टाइम रहता है, हम लोग के साथ खेलते हैं कूदते हैं और कभी भी फील नहीं होने देता कि वो बिजी है या हम लोग के लिए टाइम नहीं है कुछ भी। अपनी प्रोफेशनल और सोशल व्यस्तताओं के बावजूद कमल नयन जी अपने परिवार को पूरा समय देते हैं। कमल जी आज अपने प्रोफेशन के साथ साथ आज सामाजिक स्तर पर भी एक सफल इंसान है, तो उनकी पत्नी होने पर आपको कैसा लगता है? मैं जैसा लाइफ पार्टनर चाहती थी मुझे वैसा ही लाइफ पार्टनर मिला और अभी तक मैंने जितने भी सपने देखे थे मेरे सारे सपने सच हुए। रश्मि जी ने भी अपने कार्यों के कारण परिवार और समाज में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। न केवल उन्होंने घर परिवार को संभाला है बल्कि कमल जी को भी सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा। जहाँ तक सामाजिक कार्यों का सवाल है तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनों की मदद तो सभी करते हैं, किंतु कमल नयन एक ऐसे इंसान हैं जो अपनों की मदद के साथ साथ अनजान व्यक्तियों के भी चेहरे पर हंसी लाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और यह जानकर मुझे और मेरे बच्चों को काफ़ी खुशी होती है। कमल जी के विचारों से वे अत्यंत प्रभावित हैं और हर कदम पर उनका साथ देने को तत्पर हैं। हम सभी चाहते हैं कि ऐसे कार्य कमल हमेशा करता रहे, इससे मेरे बच्चे तो खुश होते हैं लेकिन मेरा हौसला और ज़्यादा बुलंद होता है क्योंकि इसके साथ मेरे बच्चे भी अच्छे संस्कार पा रहे हैं और मैं हमेशा यही कामना करूंगी कि समय आने पर मेरे बच्चे भी अनजान लोगों के चेहरे पर खुशियां लाने के लिए हमेशा तैयार रहें। बच्चों के साथ खेलने कूदने को वे जितने उत्साहित रहते हैं उतने ही जागरूक वे अपनी फिटनेस रेजिम को लेकर। किसी जमाने में एक हॉबी के रूप में लोकप्रिय डाक टिकट संग्रह अब चुनिंदा लोगों तक सीमित रह गया है, मगर कमल नयन जैन की सोच हमेशा अलग रही है। इसी वजह से उनके पास स्टैम्प्स और सिक्कों का जबरदस्त संग्रह है। इनमें से कुछ सिक्के ऐसे हैं जिन्हें 2500 वर्ष पुराना माना जाता है। कमल नयन जी के पास पुराने पत्रों का भी बहुत अच्छा संग्रह है। इनमें से कुछ पत्र तो 200 वर्षों से भी अधिक पुराने हैं। उनकी लिपि और शैली इस प्रकार की है कि उन्हें समझने के लिए एक्सपर्ट्स की जरूरत है। प्रोफेशनल विषयों पर आर्टिकल्स लिखने के साथ साथ अन्य विषयों पर भी कमल जी की रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती है।
आप वाह जिंदगी के इस प्रोग्राम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चांदनी, मेरे लिए भी ये सौभाग्य की बात है कि मैं वाह जिंदगी के प्रोग्राम से जुड़ा, इसके लिए मैं तुम्हें और तुम्हारी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। मैं अपने दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि अगर जीवन में कुछ भी पाना हो तो इसके लिए शिक्षा और कठोर परिश्रम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं अपनी पंक्तियों के माध्यम से मैं अपनी बात कहना चाहूँगा, व्यर्थ न जाने दो जीवन अपना, अगर तुमको कुछ है पाना, करो तन मन से साधना, तभी पूरी होगी आराधना। और ये हम कह सकते हैं कि कमल जी ने अपने कार्यों से न केवल समाज में अपना स्थान बनाया है, न केवल अपनी जिंदगी को रोशन किया है, बल्कि अपने साथ जुड़े अनेक लोगों की जिंदगी भी वाह जिंदगी बनाई। कमल नयन जैन की आत्मकथा देखने के बाद मुझे तो एक चीज सीखने को मिल गई कि बड़े सपने देखने के लिए बड़े शहरों में होना जरूरी नहीं है। हमने देखा किस प्रकार से कमल नयन जैन ने मुंगेर एवं ठाकुरगंज जैसे छोटे जगहों में रहकर बड़े सपने देखे और उसके साथ साथ उन सपनों को देखने के लिए मेहनत की, संघर्ष किया और आखिरकार उन सपनों को हासिल कर लिया। उन्होंने ना सिर्फ अपनी पर अपने साथ साथ न जाने कितने लोगों की जिंदगी को बना दी वाह जिंदगी। हमारा मकसद है कि आप भी सीखें उनसे, जानें उनसे कैसे सपने देखते हैं और कैसे सपनों को पूरा करते हैं। और अब वक्त हो गया है लेने का एक छोटा सा ब्रेक। मैं जल्दी ही वापस मिलूंगी और हम बढ़ चलेंगे हमारी अगली मंजिल की ओर।